नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स ने सभी राजनीतिक दलों की धुकधुकी बढ़ा दी है। एग्जिट पोल्स में राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जिसके बाद राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ गई है और इसे देखते हुए अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है कि अगर पार्टी हाईकमान आदेश देता है तो वो पांचों राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान कहेगा तो उन पांचों राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए वो तैयार हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है, कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठनों के प्रमुख और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के लीक वीडियो पर नेता प्रतिक्रिया देने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने वीडियो ट्वीट कर कहा है कि इंडिया टुडे की लगभग 35 साल की क्रेडिबिलिटी दांव पर है। जिस एक्सिस माई इंडिया के सर्वे पर ये दावे कर रहे हैं, उसके CEO प्रदीप गुप्ता क्या बालाघाट मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं? क्या ये भी सही है कि इनका परिवार 3 पीढ़ियों से संघ से जुड़ा हुआ है? क्या इनसे निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है? बता दें, वीडियो में राहुल कमल और राजदीप सरदेसाई एग्जिट पोल पर चौंक रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो एकदम उलट हैं जो हम अब तक सुन रहे थे। फिर एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता को राजदीप और राहुल कमल बोल रहे हैं कि अगर आप गलत हो गए तो बवाल हो जाएगा। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का बंगाल को लेकर एग्जिट पोल याद दिलाया है, जिसमें वो गलत साबित हुए थे। बंगाल के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी को अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में महिलाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए और अगले 10 सालों के भीतर 50% महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। केरल महिला कांग्रेस के सम्मेलन उत्साह का उद्घाटन करते हुए वायनाड सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी में कई महिला नेता हैं जिनमें मुख्यमंत्री बनने के लिए आवश्यक क्वालिटीज हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पहले मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे लिए प्रयास करने और हासिल करने के लिए एक अच्छा लक्ष्य क्या होगा, और मैंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा लक्ष्य ये होगा कि आज से 10 सालों में हमारे 50% मुख्यमंत्री महिलाएं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि से कहा है कि वो राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी ना देने पर गतिरोध को हल करने के लिए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के साथ बैठक करें। पीठ ने कहा, हम चाहेंगे कि राज्यपाल गतिरोध दूर करे। अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ गतिरोध सुलझाते हैं तो हम इसकी सराहना करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को आमंत्रित करें और उनके साथ बैठकर इस पर चर्चा करें। अब याचिका पर सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक बार जब राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा भेजे गए बिलों पर सहमति रोक देते हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो इसे राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार जब राज्यपाल सहमति रोक देते हैं तो वो इसे हमेशा के लिए रोककर बिल को खत्म नहीं कर सकते। CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारधीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अटॉर्नी जनरल R. वेंकटरमणी से कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल के बीच हल करना होगा। हाल ही में कर्नाटक के कोपल जिले के गंगावती शहर में 62 वर्षीय एक देखने में असमर्थ मुस्लिम व्यक्ति पर कथित तौर पर जय श्री राम का नारा लगाने की मांग करते हुए बदमाशों ने हमला कर दिया। पीड़ित हुसैन ने गंगावती नगर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत में कहा कि कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठाया, एक सुनसान जगह पर ले गए और उनके साथ मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाया कि बदमाशों ने, जिनमें ज्यादातर युवा थे, 25 नवंबर की आधी रात को उनके साथ मारपीट करने के बाद उनके पैसे छीन लिए और उनकी दाढ़ी में आग लगा दी। शिकायत में हुसैन ने कहा कि युवकों ने न केवल उनके साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि उनके समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने मुझ पर बियर की बोतल से हमला किया और मेरे सिर को पत्थर से कुचलने की कोशिश कर रहे थे। पड़ोस के चरभाई मेरे बचाव में आ गए। हालांकि डेक्कन हेराल्ड के साथ बात करते हुए पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है ये पैसे लूटने के लिए किया गया अपराध था। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि BJP जो मान रही थी कि तेलंगाना में उसके लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार होगा, ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के 3 राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजे मिले जुले हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का जादू कम होता जा रहा है। तमिलनाडु में रिश्वत लेने और स्वीकार करने के आरोप में ईडी के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। इस अधिकारी का नाम अंकित तिवारी बताया जा रहा है। इन्हें शुक्रवार को डिंडीगुल मदुरै हाईवे से गिरफ्तार किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक तमिलनाडु पुलिस ने इस अधिकारी को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अंकित तिवारी इससे पहले गुजरात और मध्य प्रदेश में ईडी में काम कर चुके हैं। रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें डिंडीगुल में एक व्यक्ति से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। अंकित तिवारी के बारे में इस व्यक्ति ने तमिलनाडु पुलिस के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय से संपर्क किया था, जिसके बाद जाल बिछाकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत के पैसे लेने के कुछ देर बाद सुबह 9 बजे तिवारी को उनकी गाड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया। ये दक्षिण भारत में हाल के महीनों में केंद्रीय एजेंसी ईडी के किसी अधिकारी की गिरफ्तारी का पहला मामला है। इससे पहले राजस्थान और दिल्ली में ईडी के अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देश के 5 राज्यों में कल विधानसभा चुनाव पूरा होते ही आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। ये बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर हुई है और इसके रेट में 21 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया है। आज 1 दिसंबर 2023 से आपको राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए 1796.50 रुपए चुकाने होंगे, जबकि इससे पिछले महीने एलपीजी गैस के दाम 1775.50 रुपए प्रति सिलेंडर पर थे। दुबई में आयोजित COP28 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2028 में COP33 भारत में कराने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत ने दुनिया के सामने इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है, इसके बावजूद वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में इसका योगदान 4% से कम है। भारत दुनिया की उन कुछ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर हैं। कर्नाटक में शुक्रवार सुबह उस समय दहशत फैल गई जब एक के बाद एक 44 स्कूलों में बम की धमकी दी गई। सभी स्कूलों को ईमेल से धमकी दी गई। हजारों छात्रों और अन्य स्टाफ को वहां से निकाला गया। बम निरोधी दस्तों को लगाया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने कहा कि बम की धमकी अफवाह लगती है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बेंगलुरु के कई स्कूलों को शुक्रवार सुबह ईमेल के माध्यम से बम की धमकियां मिली हैं, जिससे छात्रों, अभिभावकों और स्कूल अधिकारियों में दहशत फैल गई। शुरुआत में खबर आई कि ईमेल से बसवेश्वर नगर में नेपेल और विद्याशिल्पा सहित 7 स्कूलों को निशाना बनाया गया। जिन स्कूलों को ईमेल से धमकी दी गई उनमें से एक कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के आवास के सामने है। डीके शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, मैं टीवी देख रहा था, मेरे घर के सामने वाले स्कूल को भी एक धमकी भरा मेल मिला है, मैं यहाँ जांच करने आया था। भारत के खिलाफ जहर उगलते रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश के मामले में अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान आया है। उन्होंने भारत की प्रतिक्रिया आने के बाद कहा है कि वो इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ संबंधों का हवाला दिया और उन्होंने पन्नू की हत्या की कथित साजिश में भारत द्वारा शुरू की गई जांच का स्वागत किया। ब्लिंकन ने गुरुवार को कहा कि वॉशिंगटन इन आरोपों को बहुत गंभीरता से लेता है कि भारत सरकार का एक अधिकारी अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल था। ब्लिंकन का यह बयान इसराइल की राजधानी तेल अवीव में आया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कहा, मैं कह सकता हूँ ये कुछ ऐसा है जिसे हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम में से कई लोगों ने पिछले हफ्तों में इसे सीधे भारत सरकार के समक्ष उठाया है। सरकार ने आज घोषणा की कि वो एक जांच कर रही है और ये अच्छा और सही है। हम नतीजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के बीच देश की अर्थव्यवस्था में 7.6% के दर से विकास हुआ है। आरबीआई ने दूसरी तिमाही के लिए 6.5% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक आंकड़ों ने इस अनुमान से भी ज्यादा वृद्धि दर्ज की है। इसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून के दौरान जीडीपी 7.8% रही थी, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 6.2% थी। जुलाई सितंबर में भारत की जीडीपी दर ने चीन की 4.9% जीडीपी दर को पीछे छोड़ दिया। हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम समझौता खत्म हो गया है। इसराइल ने कहा है कि लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। गुरुवार को हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम समझौते का 7वां दिन था। इसके बाद आज ये डील खत्म हो गई। डील के खत्म होने से कुछ समय पहले ही इसराइल ने कहा कि उसने गजा से दागे गए एक रॉकेट को मार गिराया। उम्मीद जताई जा रही थी कि युद्ध विराम आगे बढ़ सकता है। अमेरिका, कतर और मिस्र लगातार इसकी मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन ये डील और आगे नहीं बढ़ सकी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।